गुस्से की जो एक साम है उनमें से एक किस्म यह भी है कि जब आप नए नए जवान होना शुरू होते हैं और आपको गुस्सा आना शुरू होता है तो आप क्या करते हो घर में कि दरवाजे पटकते हो ये होता है आप कमरे में जाते हो और आप जोर से दरवाजा बंद करते हो कम दरवाजा बंद हो नहीं सकता मसला क्योंकि सबके साथ वो लगा हुआ है तो तो, <laughs> तो तो तो, तो वो खुद बंद होते हैं आपको एक ताकत चाहिए सलाम करने के लिए ही नहीं अच्छा मैं बताती जब शुरू शुरू में ऐसा होना शुरू हुआ तो जनरली इंसान ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब मैंने दरवाजा बंद कर दिया अब थोड़ी देर कोई नहीं आएगा और मैं अंदर अपना कथारसेस करूंगा थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता था नहीं मामा आती थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है दरवाज़ा पटकने की मेरे मुंह पर तुमने दरवाजा बंद किया है तो मैं उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी हालांकि अम्मी बैठी होंगी 200 मील दूर लेकिन अगर लेकिन उसके अच्छे असरा जो है ना तो इस वजह से अब मुझे तो नहीं, अब नहीं है आदत पटकने की क्यूँकी मुझे यही होता है कि कोई अगला बंदा जब आके आपको कन्फ्रंट तो करेगा तो की हाउ डेर यू क्या आपने दरवाजा पटका है फिर अब वो आदत अच्छा मैं क्योंकि रात को बेसमेंट में सोया तो बेसमेंट में थोड़ी ठंड ज्यादा ठंड है, है।, है बहुत ठंड और रात को तो मौसम भी इतना अच्छा मौसम भी अच्छा था।, था तो मुझे बेसमेंट बड़ी आवाज है मैंने कहा बेसमेंट यूजली आवाज नहीं आती है तो बहुत ज्यादा आवाज है मुझे मैंने कहा यार मुझे लग रहा है बहुत बारिश हो हाँ। रही है तो मैं बेसमेंट से गया मैं जाके अपना अपने अपने ऊपर कमरा खोला तो मैंने देखा कमरे में तो बहुत हबस है तो मैं वापस नीचे आ गया अभी भी थोड़ी सी हब्स जो है वो कमरे हाँ, में मौजूद हाँ. है कमिंग बैक टू द गुस्सा हलीमा आ, आ, कभी कभी हमें गुस्सा इस वजह से आता है कि काम हमने करना होता है फॉर एक्सपाल सुबह निकल के जाते हैं ऑफिस में जिस तरह का एक्सपेक्ट किया होता है वो होता नहीं है जो लोग सफ़र करते हैं पब्लिक गाड़ियों में सफ़र करते हैं वो मिलता नहीं है शौहर को जो बात कहा था उसने किया नहीं तो इसके लिए आपको एक काम करनी पड़ती है साइकोथेरापिस्ट कहते हैं मैं किताब पढ़ रहा था कि माइंडफुलनेस होना चाहिए माइंडफुलनेस फुलनेस यानी आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये हो सकता है जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप कहीं पे लेट जा रहे हैं तो आपको अंदाजा हो कि दूसरों का रवैया थोड़ा तब्दील होगा आपके रेड़ी लिए रेडी हो आप उसके, आप उसके, लिए।, उसके लिए आप रेडी हो और या आप इस वजह से कह रहे हो कि आज आप रेडी हो क्या थे

क्या कल मुझे बहुत आप आपको बात पता है कि मुझे तारीफ लेने में मैं तारीफ अच्छी तरह नहीं लेता आपने कभी देखा होगा कि मैं उसको कुछ कर दूंगा या मजाक की तरफ ले जाऊं कुछ कर दूंगा मैं ये नहीं कहूंगा ओहो देखा हाँ. मतलब या तो मैं देखा मेरी तारीफ है और ये मतलब आई दैट that सिचुएशन